हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये नाइट से मैंने व्लॉग को शुरुआत कर दी थी और ये बाल्टी में भर के रखती हूँ पानी की। रात को किचन में ज़रूर रखना चाहिए इस तरीके से। छोटी सी स्टील की बाल्टी है और इसे ढककर रख दीजिए, और सुबह उठिए तो इसे पौधों वगैरह में डाल दीजिए। और जब भी, अब ये सुबह की क्लिप है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले गैस वगैरह पर गीला पोछा एक बार मार देती हूँ, क्योंकि साफ़ तो हम करके सोते हैं पर रात को जैसे कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं, आपको पता है किचन में हम देखते तो नहीं है, हमें साफ़ करके ही सब यूज़ करना चाहिए। और देखिए, बाल्टी में पानी डाल आई थी, सुबह का समय है अभी 6 बजे का, तो पानी सारा मैंने पौधों में डाल दिया था। और इधर मैं स्लैब पर भी हल्का सा गीला कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना हमारे पीछे से क्या यहाँ पे कुदा कादी हुई है, कॉकरोच वगैरह चूहा भी आ जाता है कई बार, तो अच्छे से पहुँच के फिर तभी हमें काम शुरू करना चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह बच्चों का लंच, तो कबीर अभी स्कूल जाएगा और मैं आपसे बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। देखिए, अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। सबसे पहले हाथ धोकर अच्छे से मैंने आटा गूंदा है, गूंद के रख दूँगी, क्योंकि कबीर का लंच तो बाद में देके आते हैं, पर गूंदा हुआ आटा रहता है ना तो सही रहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हस्बैंड आएंगे, फिर 9, 9:30, 10 बजे तक कबीर का लंच भी जाता है। और अभी तो 6:15 हुए थे, फटाफट उठकर मैंने सबसे पहले जो आटा गूंद लिया था, तो आटा गूंद रही हूँ अभी मैं। और देखिए, आटा गूंद रही हूँ मैं, और ताज़ा आटा ही हमें गूंदना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ताज़ा आटा गूंद के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि परांठे वगैरह ताज़े आटे के सही नहीं बनते, तो इसीलिए बहुत पहले आटा गूंदती हूँ। इधर मैं चाय भी रख रही हूँ, क्योंकि कबीर जो है दूध नहीं पीता, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी दूध पीते हैं, आपको भी पता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी करते हैं, और चाय उसको अच्छी लगती है तो वो चाय पीता है, तो चाय बना रही हूँ मैं, उसकी भी बना दूँगी, हस्बैंड की भी बना दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे ड्यूटी से। और चीनी, चाय पत्ती वगैरह सब मैंने चाय में डाल दी, फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, आपको पता ही है। और इसको ढक के बनाऊँगी, और चाय को मैंने ढक दिया है। और इधर मैं अभी बनाऊँगी कबीर के लिए चिल्ला, क्योंकि वो कह रहा था मम्मी मुझे चिल्ला खाना है आटे वाला, तो उसमें मैं प्याज वगैरह डालकर बनाऊँगी। आप देखिए कैसे बना रही हूँ, पहले भी शेयर किया था मैंने, तो थोड़ा सा कटोरी, आधी कटोरी से भी कम मैंने आटा लिया है, उसे अच्छे से घोल लूँगी। तो देखिए, मैंने कटोरी ले लिया, आधी कटोरी से भी कम है, छोटी कटोरी है बिल्कुल, और इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी, फेंट लूँगी पानी डालकर। तो आप भी बनाकर बच्चों को खिलाइए, ये वाला चिल्ला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देखिए, अच्छे से मैंने पानी डाल दिया, और इसको अच्छे से ना मैं घोल लूँगी, पतला पतला कर लेना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और सुबह के समय आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। और देखिए, मैं आटे को अच्छे से घोल रही हूँ, पतला पतला घोल लेना बिल्कुल हमने। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा प्याज। और देखिए, आटे को ना अच्छे से घोलना ज़रूरी है, पतला पतला कर लेना आपने, ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, तो अच्छे से लिक्विड सा ऐसे बना लीजिए कि वो जो है चिपके भी ना और अच्छा भी लगे थोड़ा खाने में। तो आटे को अच्छे से घोलना बहुत ज़रूरी है, इसकी जो गांठे होती है ना आटे में वो नहीं होनी चाहिए। और 5-7 मिनट पहले भिगो के आप इसको रख दीजिए। तो अच्छे से मैं फेंट फेंट कर इसे घोल रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से ही। तो आप भी ये वाला नाश्ता बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए, टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है, और हल्का नाश्ता होता है, तो सुबह सुबह बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। तो वैसे तो मैं प्लेन बनाती हूँ, नमक मिर्च अजवाइन वाला, तो आज कबीर कह रहा था मम्मी मुझे हरी मिर्च और प्याज, ये छोटा सा लिया है मैंने, देखिए, तो इसमें प्याज काट कर डालूंगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चिल्ला। ये बेसन का भी आप ऐसे ही बनाते हैं तो आटे का भी बना के देखिएगा, बहुत हेल्दी चिल्ला होता है ये। बारीक बारीक मैंने इसमें प्याज काटा है, और एक ही हरी मिर्च काटी थी पर उसको तीखी लग रही थी, वो भी लाल मिर्च डाली ही नहीं थी मैंने उसमें, थोड़ी सी डाली थी शायद लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डाली थी। तो इस तरीके से देखिए, चिल्ला आप भी बनाकर खाइए। तो अधिकतर मैं ये वाला नाश्ता बच्चों को देती रहती हूँ, टेस्टी लगता है बच्चों को। तो प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटे थे, और प्याज का फ्लेवर जो है चिल्ले वगैरह में अच्छा लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा लहसुन भी काट कर बारीक बारीक डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा इससे। तो देखिए, हरी मिर्च एक काट के डाली थी मैंने, तो बच्चे खाते हैं तो हरी मिर्च डाली, इसमें धनिया वगैरह और भी चीज़ें डालकर बना सकते हैं आप, जैसे उत्तपम हम बनाते हैं वैसे भी बन जाता है, और सब्जियां वगैरह डालकर भी आप बना सकते हैं। तो फटाफट से मैंने बनाया, और अभी तवा रख रही हूँ, देखिए तवे को भी धो लेती हूँ पहले। हर चीज़ हमें सुबह जो है धो लेनी चाहिए, क्योंकि रात को किचन में क्या होता हमें कुछ पता नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने चाय भी बन रही है, और देखिए इधर मैं चाय भी बना रही हूँ, फटाफट से, जल्दबाजी बहुत है। तो अभी चाय में ना उबाली आ गई है, और इसमें मैं दूध डाल रही हूँ मलाई को हटा के,
और दूध में भी ना हमें फूकें नहीं मारनी चाहिए, कहते हैं बड़े बुजुर्ग की ठंडे दूधों में, दूध में फूक नहीं मारनी चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो चम्मच से हटा लीजिए आप मलाई को, तो फूक बिल्कुल भी मत मारिएगा। हमारे पापा तो ऐसे ही बोलते थे कि ठंडे दूध बीच फूका ना मारो, तो इससे कहते हैं लड़ाई झगड़ा होता है। तो देखिए आटा फूल गया है मैंने जो चिल्ले के लिए रखा था। इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक थोड़ा सा और हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालिए इसमें, अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है। तो इसको अच्छे से फेंट कर तवा गर्म हो गया, और तवे को पहले गर्म कर लीजिएगा, ठंडे तवे पर डालेंगे तो चिपक जाएगा ये। तो अच्छे से मैंने तेल सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर पराठे भी उसी में बनते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो सुबह सुबह हैवी हो जाता, देसी घी में नहीं बनाती, तो इसीलिए सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। और देखिए चीला डाल दिया, और अच्छे से कड़छी से इसको फैला भी देना है, घुमा के तवे को भी घुमा लीजिएगा, और तेल साइडों में डालिए ताकि चिपके ना, और फटाफट से बनता है ये, जल्द ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता चिल्ले को बनने में। और नॉर्मल गैस पे बनाइए, ज़्यादा तेज़ पे भी मत बनाइएगा क्योंकि चिपकता है फिर जल जाता है साइडों से। तो मैं चिमटे से पलट रही थी, नहीं पलटा जा रहा था, तो मैंने फिर जो है पलटा लिया था इसको पलटने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए चिल्ला, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं कई बार इस चिल्ले को शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी नाश्ता बना रही थी तो अभी ब्लॉग में फिर मैंने ये भी शेयर कर दिया। सुबह का वक्त है, फटाफट से तेज़ी से हाथ चला रही हूँ, ये देखिए पलट दिया है। और इसको अच्छे से पका लेना, कच्चा मत दीजिएगा बच्चों को बिल्कुल भी, और जल्दी पक जाता है ये, पतला पतला घोलेंगे ना पकता जल्दी है। और देखिए इधर चीला बन गया, इधर मैंने चाय भी छान ली, और कबीर हो रहा रेडी, तो उसको देंगे नाश्ता। तो चाय मैंने छान ली है, और देखिए इसको फोल्ड कर दिया चिल्ले को जैसे हम रोल बनाते हैं, और इसमें चाय डालकर उसको दे दूँगी। और उसको बहुत ही अच्छा लगा, पर मिर्ची लगी थोड़ी सी, हरी मिर्ची तेज़ थी ना, तो उसने हरी मिर्ची निकाल दी। और देखिए लाइट्स लगी हुई हैं अभी, जन्माष्टमी की उतारी नहीं है, तो अभी आज हस्बैंड शायद उतारेंगे। और इधर फिश एक्वेरियम मैंने इधर कर दिया है, और ये शू रैक भी इधर कर दिया है उसके ऊपर। तो देखिए नाश्ता मैंने कबीर का रख दिया है, और ये लैंप देखिए मैंने इसको पेंटिंग किया था, ब्राउन कलर की आती है, जैसे 2-3 साल पहले ही किया था जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, पेंटिंग हो रखी है इसके ऊपर, मैंने हाथ से किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और देखिए कबीर हो गया रेडी, और नाश्ता उसने कर लिया था और जा रहा स्कूल। तो चलिए कबीर जो है स्कूल चला गया है, तो अभी मैं अपना काम शुरू करूँगी। और अभी आपको आज इंडोर प्लांट्स दिखाती हूँ अपने कि कितने अच्छे हो रहे हैं, और इंडोर प्लांट्स हमें ज़रूर लगाने चाहिए, और उनमें पानी जो है बहुत कम डलता है, कम से कम हफ्ते के बाद मैं डालती हूँ। तो आज सुबह मैंने जो रात को बाल्टी भरकर किचन में रखी थी, तो वही वाला पानी मैंने सुबह सुबह उठकर पौधों में डाल दिया था। तो प्लांट्स में ही ज़्यादातर डालना है आपने वो वाला प्लांट्स, ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे। और प्लांट्स को ज़रूर लगाएं, घर के अंदर भी ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाएं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि घर के अंदर ताज़ी हवा वगैरह कम ही आती है, तो प्लांट्स से थोड़ी सी ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। और हमारे यहाँ तो जाल वगैरह है, और पौधों को बिल्कुल आप अंदर ना रखिए, रूम के अंदर आप रखेंगे तो पौधे ज़रूर ख़राब होते हैं, क्योंकि पूरे टोटली इनडोर प्लांट कोई भी नहीं होता, सबको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं प्लांट्स की केयर कैसे करती हूँ और कैसे उनको पानी देती हूँ। तो दिखाती हूँ अपने अंदर के। और देखिए शुरू करते हैं स्नेक प्लांट से, इसको सेंसिवेरिया भी बोलते हैं, तो इनडोर ही होता है ये, इसको आप रूम में भी रख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। और ये क्रोटन है, देखिए ये मैंने छत पर रखा था, बिल्कुल येलो होगी इसकी पत्तियाँ, अब धीरे धीरे नीचे ले आई हूँ तो ये ग्रीन हो रही हैं, और हल्का सा पिंक कलर भी आता है इसके अंदर ये वाला, तो इसी तरीके से है ये। और ये देखिए जो मैं प्लांट लेकर आई थी सिंगोनियम का, दूसरा भी लगा हुआ इसके साथ ही, और इनमें पानी जो है 1 हफ्ते के बाद ही डालती हूँ जब इनकी मिट्टी सूख जाती है। और ये जीजी प्लांट है जो सूख गया था बिल्कुल, तो छत पर ले गई थी इसको भी, तो ये भी सही हो गया, इसमें नए नए शूट्स आ रहे हैं देखिए। और ये वाला देखिए, और थोड़े थोड़े पीले पत्ते हो जाते हैं, पुराने पत्ते जो है निकालने पड़ते हैं, न्यू शूट आती रहती हैं ऐसे। एग्लोनीमा का है ये भी प्लांट, मुझे कुछ कुछ प्लांट्स के नाम पता हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, सभी को पता ही है। तो इसी तरीके से यार मनी प्लांट में भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और टाइम टाइम पर आप पीले पत्ते जो है इसमें से निकालते रहें, और जो खाए हुए पत्ते होते हैं वो भी निकाल दें। प्लांट्स में पानी जो है मिट्टी को देख कर डाला कीजिए, और जो चाय पत्ती आप चाय बनाकर वेस्ट जाती है ना हमारी, उसको अच्छे से धोकर मनी प्लांट्स में क्या सभी पौधों में आप डाल सकते हैं। तो देखिए पीले पत्ते हो जाते हैं कई बार ऐसे, तो निकाल देती हूँ मैं हाथों हाथ ही।
तो इस तरीके से आप भी जो है प्लांट्स अपने घर में ज़रूर लगाएं। और मनी प्लांट इस तरीके से चल रहा, देखिए यहाँ से जाल से धूप भी आती है, यहाँ पे रोशनी भी आती है, तो इसी जगह पर मेरे प्लांट्स जो है चलते हैं, ज़्यादा अंदर प्लांट्स नहीं रख सकते। और ये देखिए शू रैक मैंने यहाँ से हटा दिया है, कैमरा जो है ब्लर हो जाता है बीच बीच में। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक जेन गार्डन बना दिया है ताकि एंट्री में सभी को अच्छा लगे। ये देखिए यहाँ पे सिंगोनियम रख दिया है, और ये जो स्टोन आर्ट है मेरी तो मैं ऐसे प्लांट्स के बीच में ही रख देती हूँ। तो देखिए ये भी इंडोर प्लांट है पर रोशनी इसको भी चाहिए। ये बैम्बू प्लांट सूख रहा है हमारा थोड़ा थोड़ा, पर सही है, बीच बीच में नए शूट भी निकलते हैं। और ये भी एग्लोनीमा की एक वैरायटी है, देखिए ये भी मैं लेकर आई थी जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें भी नया शूट आ रहा है। और यहाँ जेन गार्डन बना दिया है ये देखिए, और इनमें जो प्लांट्स में पानी है वो एक हफ़्ते के बाद दें, एक हफ़्ते के बाद भी अगर आपको मिट्टी गीली लगती है तो भी आप देंगे नहीं, और समय समय पर हफ्ते के बाद इसमें गुड़ाई भी करते रहें। जिस दिन गुड़ाई करें उस दिन पानी बिल्कुल भी ना दें प्लांट्स में, अगले दिन जाके पानी दें आप। तो देखिए प्लांट्स इस तरीके से ही है और अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पे इनको रोशनी भी मिलती है, धूप भी मिलती है। और ये देखिए ये वाला प्लांट है जो, इसको बोलते हैं डेफिन बेकिया, तो इसमें ये नया शूट नया पत्ता निकला है, एक ये वाला लंबा वाला और एक शूट और निकल रही है देखिए। तो यहाँ पे भी रोशनी आती रहती है, तो बीच बीच में कभी कभी हम इसको धूप भी दिखा देते हैं, ऊपर भी ले जाते हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने ये बर्ड बनाए थे जो DIY, ये भी रख दिए, स्टोन आर्ट भी रख दी। तो घर को जो इंडोर प्लांट्स से ही ज़्यादातर सजाती हूँ मैं, पहले भी मैंने शेयर किया है। देखिए ये वाला प्लांट ऐसे चल रहा है, और कुछ डेकोरेशन ऐसे इसी तरीके से चीज़ें रखती रहती हूँ। अभी थोड़ा इसे डिस्टर्ब हो रहा है, सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो देखिए अभी मैं करूँगी सफाई। कबीर चला गया नाश्ता करके स्कूल, तो अभी जो है क्लीनिंग करूँगी, बस क्लीनिंग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और बताइएगा आपको प्लांट्स कैसे लगे, यहाँ पे देखिए। और ये मेरी DIY मटकी, ये भी मैंने DIY करके बनाई है, तो आप बताइएगा प्लांट्स आपको कैसे लगे इंडोर। और देखिए समय हो रहा है 7:45 हो रहे हैं अभी, और अभी मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी, आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और देखिए ये क्लीनिंग हो गई थी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, हस्बैंड ने नहा के कान्हा जी को बिठा दिया है मंदिर में। और देखिए ये जो मोर पंख लेकर आई थी मैंने मंदिर में, इस तरीके से दोनों तरफ रख दें गुरु जी के पास पीछे। और ये नीचे का मंदिर है हमारा, देखिए इधर भी थोड़ा सा सही किया था, और सामान इधर पड़ा रहता है, कान्हा जी के वस्त्र वगैरह, गंगा जल, और नीचे भी मंदिर का आपको पता है सामान कितना होता है। और देखिए झूले को मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी कल छठी है, तो छठी से पहले मैं झूला हटा देती हूँ कान्हा जी का, इसे अच्छे से पैक करके रख देंगे। और ये लाइट देखिए जो निकाली थी ये भी पैक करके रख दी, अब दिवाली पे निकलेगी ये। और मंदिर को इसी तरीके से रखती हूँ, ये बिस्तर कान्हा जी का यहाँ पर एक रखा हुआ है सर्दियों के लिए, तो विंटर में यहीं सोते हैं कान्हा जी, अभी तो AC में सोते हैं। देखिए कान्हा जी का भी श्रृंगार नहीं किया है हस्बैंड ने, सिर्फ उन्हें नहला के बिठा दिया है, तो अभी जोत वोत भी नहीं जगाई है, मैं नहा के जोत जगाती हूँ, हस्बैंड सिर्फ धूप बत्ती करते हैं। और ये रैक देखिए इधर रखा है, और एक्वेरियम को रैक के ऊपर रख दिया है। और देखिए मछलियाँ खुश हैं, अभी इन्हें खाना डाला है तो अभी खाना खा रही हैं ये घूम घूम के, और चारों छोटी मछलियाँ भी खुश हैं आपस में, ये भी खेलती रहती हैं देखिए, और पहले तो डरती थी और अब ये अच्छे से इनके साथ बड़ी मछलियों के साथ खेल रही हैं, तो देखिए कैसे मस्ती कर रही हैं ये भी। और थोड़ा सा पत्थरों के कारण, ये कलर्ड पत्थरों के कारण दिखाई नहीं देती हैं, तो हो सकता है स्क्रीन जो इसकी चेंज करूं, प्लेन स्क्रीन लगाऊंगी, जो ये कागज़ की फ़ोटो लगी हुई है ना अंदर, तो उसको चेंज कर दूंगी, थोड़ा सा प्लेन लगाऊंगी, क्योंकि जहां मैंने एक्वेरियम लेने गई थी ना तो वहां प्लेन शीट लगी हुई थी और कलर्ड मछलियाँ उसमें अच्छी लग रही थी। और शहरी को देखिए बैठा हुआ है यहाँ पर, एक हस्बैंड गए हैं लंच देने कबीर का, और ये उनका वेट कर रहा है कि मुझे पापा लंच कब देंगे, तो यहीं पर बैठ जाता गेट के आगे। और बताइएगा ये जैन गार्डन आपको कैसा लगा, तो एंट्रेंस में मैंने बनाया है ये, और ये देखिए पधारोसा भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये भी DIY है, तो आप बताइएगा ये वाला पधारोसा का DIY अगर किसी को चाहिए होगा तो दोबारा शेयर कर दूँगी मैं। तो देखिए ये हल्का सा टूट भी गया, यहाँ से POP या सीमेंट से मैंने बनाया है गत्ते के ऊपर, तो इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था मिरर वगैरह इसकी पगड़ी में लगाकर, और बताइएगा कैसा लगा। और देखिए अब मैं रात को बना रही हूँ अचारी पनीर, पनीर की रेसिपी तो मैं अक्सर शेयर करती ही रहती हूँ,
तो अचार ही पनीर है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भून लिया अच्छे से, और इसमें मैं अचार को बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ, आम का अचार को मसाला भी और थोड़ा सा अचार भी बारीक बारीक काट के डाला ताकि जो पीस। और देखिए इसमें मैं मसाले में बेसन डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच मैंने डाला है, पाउडर वगैरह भी डाल दिया है। और अच्छे से ना मसाले को भून लेना है पहले, और इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो मसाला तो शाही पनीर वाला ही होता है ये, और कोई मसाला नहीं होता। और इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया और हरी मिर्च, वो हल्दी, लाल मिर्च, नमक वगैरह जो भी होता है, और सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से ही इसको मैं बनाती हूँ, जैसे शाही पनीर बनाते हैं, बस इसमें अचार का फ्लेवर डालने के लिए अचार डाल दिया काट के। और देखिए अच्छे से ये मसाला भुन गया था, घी अलग हो गया था, तो इसमें मैंने 1 गिलास दूध भी डाल दिया था, मलाई वगैरह नहीं डाली इसके अंदर। और गैस को तेज करके हिलाना है अच्छे से, ताकि दूध हमारा फटे ना, क्योंकि अचार भी डला हुआ है। तो अच्छे से आप हिलाते रहिएगा। और इसमें थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला आज, चिरौंजी, काजू और किशमिश, ताकि खट्टा मीठा जो पनीर होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी बना था। देखिए ग्रेवी पक गई है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये पनीर के पीस, मैंने जिस हिसाब से भी आप काटे मैंने डाल दिए हैं काट के छोटे छोटे, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, ये देखिए किशमिश और काजू और थोड़ी सी चिरौंजी। तो ये जो मुँह में आता है ना खट्टा मीठा टेस्ट आता है इससे, पनीर में जो हमने अचार डाला है वो खट्टा लगता है, और किशमिश मीठी होती है तो उससे मीठा पन आता है। इसमें चीनी नहीं डाली आज मैंने। और देखिए पनीर बन गया, और कसूरी मेथी डालकर मैंने बंद कर दिया। तो बताइएगा आपको पनीर की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।